स्टेबिलिटी स्टडी इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। दोस्तों, अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो तो आपने स्टेबिलिटी स्टडी के बारे में सुना ही होगा। स्टेबिलिटी स्टडी तो आपके मन में शायद ये क्वेश्चन भी आता होगा कि इस स्टेबिलिटी स्टडी का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसका जरूरत है? क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको क्वालिटी चेक करते हैं, उसके बाद ही उसको मार्केट में रिलीज करते हैं। तो फिर ये अलग से स्टेबिलिटी स्टडी की क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस क्या है स्टेबिलिटी स्टडी का? तो दोस्तों, यही सब क्वेश्चन का आंसर मैं मेरा ये प्रेजेंटेशन में देना चाहता हूं। प्लीज आप एंड तक रहिए और मेरा प्रेजेंटेशन को देखिए। फ्रेंड्स, ये एक प्रोडक्ट लेवल है, टैबलेट का एक प्रोडक्ट लेवल से, और ये आप थोड़ा ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ये प्रोडक्ट लेवल्स में। पहले तो प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है, एंड देन प्रोडक्ट का जेनेरिक नेम भी है, आईपी लिखा है, मतलब ये इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया गया है। देन प्रोडक्ट में कौन सा कलर्स यूज किया गया है वो लिखा है, कौन सा कलर्स में अवेलेबल है वो लिखा है। देन डोजेस क्या है उसके बारे में लिखा है। देन स्टोरेज कंडीशंस लिखा है प्रोडक्ट का, आप देखिए, स्टोर बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर। देन प्रोडक्ट का बैच नंबर लिखा है, एंड देन देखिए फॉलोड बाय लिखा है मैन्युफैक्चरिंग डेट जून 15 एंड एक्सपायरी डेट लिखा है मई 17। मींस ये प्रोडक्ट का 24 मंथ्स का एक्सपायरी है। देन प्रोडक्ट का प्राइस, देन मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एंड हु इज द मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट का, ये सब के बारे में लिखा है। अगर दोस्त आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा, ये प्रोडक्ट का देखिए कॉम्पोजिशन, कलर्स, ये जो है ये तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम में ही आ गया है, लेकिन ये स्टोर बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर ये कहां से आता है? ये कैसे मालूम पड़ता है कि ये प्रोडक्ट को स्टोर बिलो 30 डिग्री में स्टोर करना है? एंड सेकंड क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे 24 मंथ्स का है, क्यों ये प्रोडक्ट 24 मंथ्स है? क्यों 12 मंथ्स नहीं है? क्यों 30 मंथ्स नहीं है? क्यों स्पेसिफिक 24 मंथ्स? कौन सा बेसिस पे लिखा जाता है प्रोडक्ट का लेवल पे? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढना चाहोगे ना, तो आपको स्टेबिलिटी स्टडी का मतलब समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चंस का आंसर आता है, ये 24 मंथ्स का रिटेस्ट पीरियड बोलो, ये स्टोरेज कंडीशंस बोलो, ये स्टेबिलिटी स्टडी करने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा। यही है स्टेबिलिटी स्टडी का इंपॉर्टेंस। फ्रेंड्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्यों हम लोग स्टेबिलिटी स्टडी परफॉर्म कर रहे हैं? आपको लास्ट स्लाइड में मैंने जो दिखाया था, प्रोडक्ट लेवल दिखाया था, उसमें मैं बोला था आपको कि अगर स्टोरेज कंडीशंस कैसे प्रोडक्ट में आता है कि और एक्सपायरी पीरियड और सेल्फ लाइफ पीरियड कैसे आता है, उसके जानने के लिए स्टेबिलिटी स्टडी का जरूरत है। अभी वही आंसर्स को मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करके आपको बता रहा हूं क्यों हम लोग स्टेबिलिटी स्टडी परफॉर्म कर रहे हैं। एक तो पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा, क्वालिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस और ड्रग प्रोडक्ट। सो ड्रग सब्सटेंस का मैं मीन कर रहा हूं यहाँ पे आपको एपीआई, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एंड ड्रग प्रोडक्ट मींस फाइनली फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट। फॉर्मुलेशन मींस आपको टैबलेट, कैप्सूल्स, लिक्विड्स, ऑइंटमेंट्स, जेल्स, एनीथिंग। सो इसमें क्वालिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस और ड्रग प्रोडक्ट कैसे स्टेबिलिटी स्टडी में ये मालूम पड़ता है अपने को। ये एक अपने को स्टेबिलिटी स्टडी एक जगह हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, एक अपने को एक एविडेंस देता है। एविडेंस, व्हाट एविडेंस इट इज, क्या एविडेंस देता है? हाउ द क्वालिटी ऑफ ए ड्रग सब्सटेंस और ड्रग प्रोडक्ट वेरीज विथ टाइम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड लाइट। अंडरस्टूड? दोस्त, एक बार समझने की कोशिश करो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग। स्टेबिलिटी स्टडी के मतलब हम लोग करते क्या है एक्चुअल में? एक्चुअल क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट लेते हैं और प्रोडक्ट कैसे पैकिंग में रहता है, स्टिम्युलेटेड पैकिंग एट द मार्केट सैंपल्स। मार्केट सैंपल्स जैसे पैक होता है इसी तरह से प्रोडक्ट को पैक करके हम लोग उसको स्टेबिलिटी चेंबर्स के अंदर रखते हैं। स्टेबिलिटी चेंबर्स के अंदर रखने के बाद कैसे रखते हैं स्टेबिलिटी चेंबर्स के अंदर? स्टेबिलिटी चेंबर्स के अंदर रखने में उसमें हम लोग कुछ वेरिएंट कंडीशंस रखते हैं। उसमें क्या क्या रहेगा? टेम्परेचर रहेगा, एक ह्यूमिडिटी रहेगा, कभी कभी लाइट सेंसिटिव मेटल्स भी रहेगा। तो ये जो फैक्टर्स है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट के ऊपर वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है, प्रोडक्ट का नेचर में क्या चेंज होता है, ये हम लोग एक एविडेंस स्टेबिलिटी स्टडी के द्वारा ये एविडेंस हम लोग जनरेट करते हैं। ओके, सो क्वालिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस और ड्रग प्रोडक्ट कैसे टाइम के साथ ये एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंस हम लोग दे रहे हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, इसके साथ साथ प्रोडक्ट का नेचर में क्या चेंज होता है समय के साथ, तो ये एक हम लोग स्टेबिलिटी स्टडी से पता चलता है। दूसरा है रिटेस्ट पीरियड और सेल्फ लाइफ। मैंने आपको दिखाया पिछले स्लाइड में, ये 24 मंथ्स था वो प्रोडक्ट लेवल में मेंशन किया। तो ये प्रोडक्ट का रिटेस्ट पीरियड और सेल्फ लाइफ कितना है वो भी स्टेबिलिटी स्टडी के बाद ही हम लोग को पता चलता है। तो रिटेस्ट पीरियड एंड सेल्फ लाइफ में अंतर क्या है? रिटेस्ट पीरियड मींस वो पीरियड खत्म होने के बाद फिर से आप एनालिसिस करके उसको यूजेस और यूजेबिलिटी आप एक्सटेंड कर सकते हो। और सेल्फ लाइफ और एक्सपायरी डेट पीरियड क्या होता है, उसके बाद आप अगर वो पीरियड में वो डेट तक आ गया फिर प्रोडक्ट यूजेबल नहीं रहता है। यही है दोनों में डिफरेंस, रिटेस्ट पीरियड एंड सेल्फ लाइफ। नेक्स्ट है स्टोरेज कंडीशंस। तो प्रोडक्ट का ऑप्टिमम स्टोरेज कंडीशंस क्या है वो भी आपको अगर जानना है तो ये स्टेबिलिटी स्टडी से ही हम लोग डिराइव करता है कि प्रोडक्ट को भाई ये टेम्परेचर में रखना है, कि 2 to 8 में रखना है, कि 20 < 25 में रखना है, कि < 30 में रखना है। ये पूरा अपने को स्टेबिलिटी स्टडी परफॉर्म होने के बाद ही पता चलता है। एंड फाइनली ऑप्टिमम पैकेजिंग कंडीशंस। ऑप्टिमम पैकेजिंग कंडीशंस मतलब ये पैकेजिंग मटेरियल जो है ये मेनली फॉर ड्रग प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। ड्रग सब्सटेंस के लिए भी ये पॉइंट, उसमें क्या है कुछ इंटरेक्शंस तो नहीं हो रहा है प्रोडक्ट के साथ। कुछ पैकेजिंग मटेरियल हम लोग जो भी यूज किया प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल, तो वो प्रोडक्ट में लीच आउट तो नहीं हो रहा है, वो प्रोडक्ट को डिटेरिएट तो नहीं कर रहा है। तो ये सब कुछ स्टेबिलिटी स्टडी से मालूम पड़ता है। यही है स्टेबिलिटी स्टडी का इंपॉर्टेंस। सिलेक्शन ऑफ बैचेस। दोस्तों स्टेबिलिटी स्टडी का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों चाहिए, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नाउ बैचेस कैसे सिलेक्ट होता है स्टेबिलिटी स्टडी के लिए, कौन सा बैच चाहिए, कोई भी बैच हम लोग ले सकते हैं क्या स्टेबिलिटी स्टडी के लिए, और लेना है तो कैसा बैच लेना है, कहां कब करना है स्टेबिलिटी स्टडी, ये सब बारे में थोड़ा सा मैं ज्यादा जानकारी इन डिटेल जानकारी दे रहा हूं अभी। देखिए दोस्तों, एक तो है स्टेबिलिटी स्टडी कब करना है। दोस्तों बैचेस हमारा जो प्रोडक्ट्स होता है ना, जनरली सभी कंपनी का R&D में रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पहले में प्रोडक्ट बोलो डेवलप्ड होता है, चाहे API हो कि डायरेक्ट प्रोडक्ट हो, वो R&D में डेवलप होने के बाद साइट में ट्रांसफर होकर आता है, उसको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर बोलते हैं। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने के बाद जनरली होता क्या है, पहले तो ट्रायल बैचेस बनाते हैं। तो ट्रायल बैचेस में ट्रायल लेते हैं, क्या होता है मतलब पूरा प्रोसेस को रन होगा, पूरा मेथड एनालिटिकल मेथड ये सब कुछ पूरा एक ट्रायल बैचेस, दो नंबर ऑफ ट्रायल बैचेस लेते हैं। ये ट्रायल बैचेस कंप्लीट होने के बाद वैलिडेशन बैचेस होता है। तो वैलिडेशन में क्या होता है, क्यों इसको वैलिडेशन बैचेस बोलते हैं, इसमें जो क्या रहता है दोस्तों, इसका जो मास्टर फॉर्मूला रहता है और जो प्रोसेस रहता है, केमिकल प्रोसेस रहता है फॉर API, ये को इसको वैलिडेट करते हैं। ये वैलिडेट करने के लिए मतलब ये पूरा वैलिडेट मतलब जो रॉ मटेरियल्स कौन सा यूज हो रहा है, इन प्रोसेस सैंपल्स हो रहा है, उसका जो इन प्रोसेस लिमिट्स जो हो रहा है, इवन आपका जो प्रोडक्ट बनने के टाइम में जो भी क्राइटेरिया से जो भी मीन्स कितना टाइम आपको स्टीरिंग करना, मिक्सिंग करना, कुछ ड्राइंग, अनलोडिंग, जो भी प्रोडक्शन क्रिटिकल स्टेप्स रहता है उन सब स्टेप्स को वैलिडेट करता है। तो इसको वैलिडेशन बैचेस बोलता है। तो जनरली जो ये फर्स्ट 3 बैचेस रहता है वैलिडेशन बैचेस, उसी को स्टेबिलिटी में डालते हैं। तो ये जनरल क्राइटेरिया, इट इज नॉट द सेम। कोई कंपनी में डायरेक्टली जो ट्रायल बैचेस है वहीं से भी वैलिडेशन स्टेबिलिटी स्टार्ट कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जनरली मैं बोल रहा हूं ये वैलिडेशन जो बैचेस रहता है यहीं से ही स्टेबिलिटी स्टडी स्टार्ट होता है। तो इसमें और एक क्राइटेरिया रहता है। अभी ये जो आपने स्टेबिलिटी स्टडी के लिए बैचेस रखा, तो एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद आपने जो भी बैच मार्केटिंग करने वाले हो इन फ्यूचर, चाहे API हो कि चाहे आपका फॉर्मुलेशन हो, तो उसका जो इन केस ऑफ API जो सिंथेटिक रूट ऑफ ड्रग सब्सटेंस, सेम सिंथेटिक रूट जो केमिकल आपने जो रिएक्शंस किया था, जो आपने की स्टार्टिंग मटेरियल यूज किया था, उसका कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ फॉर्मुलेशन जो भी मास्टर फार्मूला से आपने जो भी API, जो भी एक्सिपिएंट्स, जो भी वेंडर से लिए थे, अप्रूव वेंडर से लिए थे, जो भी प्रोसेस फॉलो किए थे, जो भी डेवलपमेंट किए थे, उसमें इन आगे कुछ चेंजेस नहीं होना है, ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, स्टेबिलिटी स्टडी करने के लिए अभी इन केस ऑफ जो ड्रग प्रोडक्ट्स रहता है जनरली उसमें डिफरेंट स्ट्रेन्स में और डिफरेंट कंटेनर्स में मिलता है। कैसे डिफरेंट स्ट्रेन में मिलता है, सपोज आपने एक पैरासिटामोल टैबलेट सपोज लिया होगा, उसका डिफरेंट स्ट्रेन में मिलता होगा आपको 50 mg, 100 mg, 500 mg, ऐसे डिफरेंट स्ट्रेन में मिलता होगा। तो कंपोजिशन सेम है लेकिन उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है उसका स्ट्रेन डिफरेंट है। और इनके सब लिक्विड प्रोडक्ट्स में आपने देखा होगा कि आपको 50 ml का भी अवेलेबल है, 100 ml का भी अवेलेबल है, 250 ml का भी अवेलेबल है। तो आपको जब स्टेबिलिटी स्टडी करना है ईच पैकिंग कंटेनर के साथ भी करना है, तो कोई भी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, इंडिविजुअल कंटेनर के साथ ही आपको स्टेबिलिटी स्टडी करना है। और फाइनली पोस्ट अप्रूवल स्टेबिलिटी अप्रोच, इसमें क्या रहता है, तो आपको अपने वैलिडेशन बैचेस हो गया, आपने स्टेबिलिटी स्टडी तो कर लिया, वैलिडेशन का 3 बैचेस का स्टेबिलिटी स्टडी आपने रन कर दिया, वो इन प्रोग्रेस है। लेकिन इन फ्यूचर फिर क्या करना है, इन फ्यूचर फिर से कोई बैचेस को स्टेबिलिटी में डालना है कि नहीं डालना है, तो जनरली कंपनीज में क्या प्रोसीजर्स प्रैक्टिसेस रहता है, ईयरली 1 बैच अगेन दे आर कीपिंग फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, एड ऑन बैच, दे आर सेइंग एड ऑन बैच, ये एक तरीका है। दूसरा क्या है, अगर आपका प्रोडक्ट में आपने कुछ चेंजेस किया, चेंजेस इन टर्म्स क्या करने, अपना प्रोसेस में कुछ स्लाइड अपने अपने वेरिएशंस किया, कुछ भी लिटिल बिट आपका प्रोसेस को आपने थोड़ा बहुत चेंज किया, आपको फिर से प्रोसेस को वैलिडेट करना पड़ा। फॉर्मूला, मास्टर फॉर्मूला में आपने कुछ एक्सिपिएंट्स, कुछ नया एक्सिपिएंट डाला, कुछ किया, ठीक है, आपने एक्टिव मटेरियल का वेंडर चेंज किया, अप्रूव वेंडर चेंज किया, कुछ भी चेंज किया, तो आपको फिर से आपका प्रोडक्ट को वैलिडेट करना पड़ा, तो अगेन आपको वो वैलिडेशन बैचेस फिर से स्टेबिलिटी में डालना है, ये क्राइटेरिया। और शायद आपने आपका बैच साइज को चेंज किया, आपने पहले स्मॉलर बैच साइज था, अगर अभी आपने बिगर बैच साइज बनाना चाहते हो, तो ये सब केस में भी फिर से आपको स्टेबिलिटी स्टडी करना पड़ेगा। कंटेनर क्लोजर सिस्टम एंड स्पेसिफिकेशंस। फ्रेंड्स, नाउ स्टेबिलिटी स्टडी अगर आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना, स्टेबिलिटी सैंपल को पैक करके स्टेबिलिटी चेंबर में प्लेस करना इन टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वेरिएंट के साथ। ओके, सो पैकिंग इज द फर्स्ट थिंग। तो कैसे आप पैक करोगे इसके बारे में क्लियर कट है, आपको सेम और एज अ स्टिमुलेट द पैकिंग प्रोपोज फॉर द स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मींस इसका मीनिंग है इन फ्यूचर आप जैसे आपका प्रोडक्ट को स्टोर करने वाले हो, मार्केटिंग करने वाले हो, जो भी पैकेजिंग मटेरियल यूज होने करने वाले हो, सेम पैकेजिंग मटेरियल में आपको स्टेबिलिटी चेंबर में भी प्लेस करना है। इसमें एक पॉइंट आपने देखा होगा, सिम्युलेट्स, इसका क्या मीनिंग रहता है, इसमें क्या रहता है, आप इन केस ऑफ एपीआई आपने उसका पैक साइज बहुत बड़ा होता है, 50 केजी का ड्राम्स रहता है, 100 केजी का ड्राम्स रहता है, अभी इतना बड़ा ड्राम्स और इतना मटेरियल तो आपको स्टेबिलिटी चेंबर में आप कैसे रखोगे। वो केस में आप क्या करोगे, आपका जो 50 किलो 100 किलो का जो ड्राम्स है वो जो मटेरियल से बना, सेम मटेरियल का छोटा साइज का आपने 1 किलो का 5 किलो साइज का एक ड्राम बना के वो आप स्टेबिलिटी चेंबर्स में रखना, इसी के सिम्युलेट्स बोलते हैं। नाउ दोस्तों, आपका माइंड में क्वेश्चन आता होगा, स्टेबिलिटी एनालिसिस जो करना है कौन सा टेस्ट करना है, पूरा टेस्ट करना है कि कुछ सिलेक्टेड टेस्ट करना है, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी मैं देता हूं। अभी क्या है दोस्तों, जब आप कंप्लीट एनालिसिस कर रहे हो वो टाइम में आपका स्पेसिफिकेशन में रहता होगा 15-20 मोर देन दैट ऑल्सो टेस्ट पॉसिबल। लेकिन इनके सब जब स्टेबिलिटी आप कर रहे हो ना, उस टाइम में आपको पूरा टेस्ट करने का जरूरत नहीं है, आपको क्या उसमें आपको कुछ ही टेस्ट करना है। सो कौन सा टेस्ट कौन सा बेसिस पे सिलेक्ट होता है, वो हमारा स्पेसिफिकेशन में वो टेस्ट को बोलते हैं स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग टेस्ट पैरामीटर्स। सो वही जो टेस्ट स्टेबिलिटी इंडिकेटिव टेस्ट पैरामीटर्स के अंदर आता है वही टेस्ट परफॉर्म करना है। अभी कौन सा टेस्ट पैरामीटर से मालूम होता है वो स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग टेस्ट पैरामीटर से, तो आपको ये मालूम होने के लिए दो attributes of the drug substance or drug product that are susceptible to change during storage are likely to influence quality, safety and efficacy। तो ऑन स्टोरिंग में आपको जो चेंजेस होने का चांसेस रहता है वही टेस्ट में आ जाएगा। लाइक आपको मैं एक बता रहा हूं, देखिए अभी जो वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट ऑन स्टोरेज अगर प्रोडक्ट हाइग्रोस्कोपिक नेचर में हो है तो वो ऑन स्टोरेज ये वाटर कंटेंट जेनरेट होता है, तो एक प्रोडक्ट का क्वालिटी चेंज होने का चांसेस रहता है। अभी देखिए दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट में इंप्योरिटी जो जेनरेट होता है, तो ऑन स्टोरेज प्रोडक्ट धीरे धीरे डिट्रेट होते जाता है, तो इंप्योरिटी जेनरेट होने का चांसेस रहता है। ऐसे वैल्यू, तो अगर आपका प्रोडक्ट में वाटर कंटेंट और इंप्योरिटी ज्यादा होता है तो ऐसे वैल्यू चेंजेस होने का चांसेस रहता है। तो इसी के बेस पे ऐसा टेस्ट सिलेक्ट करना, जनरली क्या स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग टेस्ट पैरामीटर में रहता है, ऐसे एलओडी रहेगा, आपका वाटर कंटेंट रहेगा, आपको रिलेटेड सब्सटेंस रहेगा, ठीक है, ऐसे वैल्यू रहेगा, ठीक है, काइडल इंप्योरिटीज कुछ है तो वो रहेगा। तो ये जो पैरामीटर से जो आपको प्रोडक्ट का क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी के इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, इसी के बेस पे होता है। तो ये टेस्टिंग फिजिकल टेस्ट हो सकता है, फिजिकल टेस्ट मीन्स आपको आइडेंटिफिकेशन बाय आईआर टेस्ट, ठीक है, ऐसा आपको वो टेस्ट में होता है, डिस्क्रिप्शन होता है आपका, ये टेस्ट ये सब आइडेंटिफिकेशन में आ जाता है। केमिकल टेस्ट रह सकता है आपको, आपने मैंने बोला जैसे रिलेटेड सब्सटेंस, ऐसे ये सब टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एट्रीब्यूट, समटाइम्स प्रिजर्वेटिव कंटेंट्स, ये सब टेस्टिंग भी आपको देखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, नाउ स्टेबिलिटी स्टडी हम लोग जो करते हैं ना, तीन कंडीशंस में जनरली करते हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म, एक्सीलरेटेड एंड इंटरमीडिएट। अभी लॉन्ग टर्म जो कंडीशंस है वो दुनिया का क्लाइमेटिक कंडीशन जोन्स के हिसाब से वो चेंज हो जाता है। आप देख, ये स्लाइड में आप देख सकते हो दुनिया को पूरा 4 जोन्स में डिवाइड किया है, उसमें हमारा कंट्री जोन 4 है, जोन 4B के अंदर आता है। जोन 4 है, जोन 4B में क्या रहता है, हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एंड हॉट ह्यूमिड हाई, हॉट एंड हायर ह्यूमिडिटी रहता है। इसमें जनरली टेम्परेचर, लॉन्ग टर्म रिकमेंडेड टेम्परेचर है 30 डिग्री 65% एवरेज और 30 डिग्री 75% एवरेज। फ्रेंड्स, नाउ आपको स्टेबिलिटी स्टडी तो करना है, आपको थोड़ा बहुत मालूम हो गया, लेकिन अभी आपका स्टोरेज कंडीशन क्या होना चाहिए। सो टोटल दोस्तों 4 केसेस आर देयर। तो दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द जनरल केस वेयर यू आर गोइंग टू स्टोर योर मटेरियल योर रूम टेम्परेचर और एम्बिएंट टेम्परेचर। इसमें आपका लॉन्ग टर्म क्या रहेगा, 25 डिग्री एंड 60% एवरेज, 30 डिग्री एंड 65% एवरेज लॉन्ग टर्म। इंटरमीडिएट आपका रहेगा 30 डिग्री 65% एवरेज एंड एक्सीलरेटेड आपका रहेगा 40 डिग्री 75% एवरेज। एंड आपका अगर इंटरमीडिएट कंडीशन इक्वल टू लॉन्ग टर्म कंडीशन है, वो टाइम में आपको इंटरमीडिएट का जरूरत नहीं है। अभी दोस्तों मैंने और एक पॉइंट आपको दिया है कि इफ सिग्निफिकेंट चेंज ऑकर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग 6 मंथ टेस्टिंग एट द एक्सीलरेटेड स्टेज कंडीशन, व्हाट विल हैपन। सिग्निफिकेंट चेंज का मतलब ये है आपका जो ड्रग सब्सटेंस और ड्रग प्रोडक्ट कुछ भी है, इट फेल टू मीट्स दी स्पेसिफिकेशंस, मतलब आपका जो स्पेसिफिकेशन का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उसमें फेलियर हो गया। और समटाइम्स क्या होता है, आपका जो सपोज आपका प्रोडक्ट का जो एसए का वैल्यू है, एसए का जो रिजल्ट है वो इनिशियल वैल्यू से 5% डिफर हो गया, ऐसा मेजर चेंज हो गया। और आपका जो कुछ स्टेबिलिटी पीएच का रिजल्ट नहीं है, आपने कुछ डिग्रेडेशन जो आपका इम्प्यूरिटीज है उसका लेवल आउट ऑफ लिमिट चला गया कि उसको सिग्निफिकेंट हाई हो गया, और आपको ओटी रिजल्ट मिल गया, मींस आउट ऑफ ट्रेंड रिजल्ट मिल गया। तो ये सब केसेस में सिग्निफिकेंट चेंजेस जब आप ऑब्जर्व करते हो तब आपको क्या करना है, उस केस में आपको क्या करना है, आपको एक इंटरमीडिएट कंडीशन में स्टडी स्टार्ट करना है 6 मंथ्स के लिए इंटरमीडिएट स्टडी करना है। So this is the recommended thing. And another thing I have written that side, minimum time period covered by data at submissions means आप कोई जब प्रोडक्ट को रेगुलेटरी अथॉरिटी, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी लाइक इंडिया में CDSCO है, USFDA है, सो ये सब रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास अब जब आपका ड्रग के लिए मार्केटिंग करने के लिए अप्लाई करते हो तो ये मिनिमम स्टेबिलिटी डेटा आपको प्रोवाइड करना है उनको आपका एप्लीकेशन के साथ। फ्रेंड्स, नाउ केस 2 स्टोरेज कंडीशन, जब आप आपका प्रोडक्ट रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस में स्टोर करने वाले हो तो उस केस में आपको लॉन्ग टर्म क्या रहेगा, 5 डिग्री ±3 डिग्री। इस केस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं रहता है एंड उसका एक्सीलरेटेड होगा आपको 25 डिग्री एंड 60% एंड मिनिमम 12 मंथ्स डेटा यू हैव टू गिव फॉर द सबमिशंस फॉर लॉन्ग टर्म एंड एक्सीलरेटेड यू हैव टू गिव 6 मंथ्स का। अभी इसमें 2 कंडीशंस है, तो आपको देखिए फर्स्ट कंडीशंस का है, इफ सिग्निफिकेंट चेंज ऑकर्स बिटवीन 3 एंड 6 मंथ्स टेस्टिंग एट द एक्सीलरेटेड स्टेज। सो आपको सिग्निफिकेंट चेंज आया बिटवीन, आफ्टर 3 मंथ्स आपका एनालिसिस कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुली पास हो गया, बट आफ्टर 3 मंथ्स आपने सिग्निफिकेंट चेंज ऑब्जर्व किया, तो उस केस में आपको रीटेस्ट पीरियड कैसा देना है, आपको रियल टाइम का बेस पे देना है। सपोज आपको 5th मंथ में जाके आपको फेलियर आया तो आपको 4th मंथ का आपको रिटेस्ट पीरियड देना है, ये आपको रियल टाइम डेटा के बेस पे देना है, इस टाइम में आपने एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते हो। नाउ द सेकंड थिंग इज, इफ आपका जो सिग्निफिकेंट चेंज और फेलियर पहले 3 मंथ में ही आ गया तो उस केस में क्या करना है, ये अगर पहले 3 मंथ में ही आ गया तो आपने और फर्दर स्टडी भी नहीं कर सकते हो, आपको केस टू केस डिस्कशन करना है और अपने और एक बैच को आपने लगा सकते हो शॉर्ट टर्म स्टोरेज कंडीशंस के लिए। मतलब आपको शिपिंग एंड हैंडलिंग के टाइम में जो जितना पीरियड आपको रहता है, सपोज एक ड्रग को एक आप जहां पे भेजने वाले हो एक कंट्री से, सपोज जो 15 डेज 20 डेज आपको लगना है उस टाइम के लिए आपका प्रोडक्ट स्टेबल है, वो स्टोरेज कंडीशंस में वो आपको प्रूव करना है, ये एक कंडीशंस है। दोस्तों दिस इज द केस 3। इसमें आपने आपका प्रोडक्ट जब फ्रीजर में स्टोर करने वाले हो, फ्रीजर मतलब -20 डिग्री में आप स्टोर करने वाले हो आपका प्रोडक्ट का, तो इसका एक ही कंडीशंस रहता है, लॉन्ग टर्म कंडीशंस रहता है, और आपको सबमिशंस के टाइम में भी 12 मंथ्स डेटा आपको प्रोवाइड करना है। और ये आपको इसमें रीटेस्ट कैसे देगा, आपको रियल टाइम डेटा के बेस पे देना पड़ेगा। आपको सपोज आपने 8 मंथ्स डेटा कंप्लीट किया, 8 मंथ्स एनालिसिस कंप्लीट किया, स्टेबिलिटी एनालिसिस, एंड इट इज सक्सेसफुली पासिंग, तो आपको रीटेस्ट डेट भी उसी हिसाब से 8 मंथ देना है। जितना आपका रियल टाइम आप एनालिसिस करोगे उतना हिसाब से आपको देना है। और इसमें टेस्टिंग एक सिंगल बैच को आपको करना है हायर टेम्परेचर में, मे बी 5 डिग्री, 3 डिग्री और 25 डिग्री में। ये क्यों करना है, क्योंकि आपने जब शिपिंग एंड हैंडलिंग के टाइम में तो -20 डिग्री मेंटेन करना उतना आसांस नहीं है, तो एक वो सर्टेन शॉर्ट पीरियड के लिए 15-20 डेज के लिए आपका प्रोडक्ट हो ये हायर टेम्परेचर में स्टेबल है, वो आपको प्रूव करना है। नाउ केस 4 ड्रग सब्सटेंस और प्रोडक्ट जो आपने -20 में बिलो में रखने वाले हो, इसमें क्या करना है, इसमें कुछ ऐसा गाइडलाइंस तो नहीं है। इसमें आपको केस टू केस बेस पे आपको कंडीशन सिलेक्ट करना और वो आपको एनालिसिस करना। टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी, दोस्तों अभी सैंपल तो आपका स्टोरिंग हो गया, कौन सा स्टोरेज कंडीशंस में रखना है मालूम है, अभी टेस्टिंग करना है, तो टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी कैसे लेना है। लॉन्ग टर्म, एक्सीलरेटेड एंड इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी स्टडी का, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडी में फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना है, एवरी 3 मंथ इंटरवल में आपको एनालिसिस करना। एवरी 3 मंथ मींस 0 एनालिसिस, 0 मींस आपके इनिशियल एनालिसिस, देन 3 मंथ्स, देन 6 मंथ्स, देन 9 मंथ्स, देन 12 मंथ्स, इट इज द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में आपको क्या करना है, 6 मंथ इंटरवल में, मींस आफ्टर 12 मंथ्स आपको एनालिसिस आएगा, 12 + 6 18 मंथ्स, 18 + 6 24 मंथ्स। देन उसके बाद नेक्स्ट ईयर में क्या करना, आपको 12 मंथ्स का गैप देना है, मतलब 24 मंथ्स के बाद सीधा आपको 36 मंथ्स में एनालिसिस करना, फिर 48, फिर 60, फिर आपको जितना तक आप रिटर्न्स देना चाहते हो वो स्टेबिलिटी स्टडी कर सकते हो। मैक्सिमम जनरली अप टू 60 मंथ्स इट इज पीपल यूज टू डू। देन एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी, एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी मिनिमम 3 डेटा पॉइंट्स आपको करना है 3 मंथ्स। सो आपको रहेगा इनिशियल रहेगा 0 मंथ्स, देन आपका रहेगा 3 मंथ्स, एंड देन आपका रहेगा 6 मंथ्स। सो ये आप एक्सीलरेटेड स्टडी यहाँ पे फिनिश कर सकते हो। इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी स्टडी मिनिमम आपको 4 टाइम पॉइंट्स मिनिमम 1 ईयर के लिए आपको करना है। फर्स्ट रहेगा आपको 0 मंथ्स, देन 6 मंथ्स, देन 9 मंथ्स, देन 12 मंथ्स। फ्रेंड्स मेरा ये प्रेजेंटेशन ये शो देखने के लिए, अपना कीमती टाइम मेरे लिए स्पेंड करने के लिए आपको थैंक्स मैं बताना चाहता हूँ। अगर मेरा ये प्रेजेंटेशन का आपको किसी भी तरह कुछ भी हेल्प है तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। आप आपका फीडबैक मेरे को ज़रूर दे सकते हो। ये मेरा ईमेल आईडी भी मैंने इधर लिख दिया। अगर कुछ क्वेरीज है, कुछ भी डाउट्स है, आप मेरे को ईमेल कर सकते हो और मेरे को बता भी सकते हो। अगर और नेक्स्ट कुछ भी चीज़ क्या और दूसरा कौन सा पॉइंट्स में, कौन सा टॉपिक्स में आपको इस ऐसा प्रेजेंटेशंस आपको चाहिए, आपको जानकारी चाहिए, और कोई भी लैंग्वेज में बता सकते हो, तो वो भी मैं इसके हिसाब से और भी प्रेजेंटेशन बनाएंगे। थैंक वंस अगेन आई वांट्स टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स।